हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.8 का हम 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ 85 होल 1/2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो हमें 1 मीटर कपड़े की कीमत बतानी है, तो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/2 मीटर क्लॉथ क्या है, रुपीज़ 85 होल 1/2, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट पूछिए, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो रुपीज़ यहाँ पे आएगा 85 होल 1/2 और डिवाइड बाई 4 होल 1/2, इसको डिवाइड करना है। तो रुपीज़ तो यहाँ पे चलता रहेगा, तो यहाँ पे इसको करते हैं तो ये कितने आते हैं, 170 और एक 171 आ गए, 171 और ये 2, और डिवाइड बाई इसको करते हैं तो क्या आता है, ये 9 और ये बाई 2, ठीक है। तो रुपीज़ आपके कितने आ जाएंगे यहाँ से, 171/2, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 और ये 9 आ गया। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और ये 9 से काटा तो ये 19 आ गया, ठीक है। तो रुपीज़ कितने आ गए आपके, 19। तो 1 मीटर क्लॉथ जो है उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 19 रुपीज़ आ जाएगी। तो 19 रुपये का 1 मीटर कपड़ा आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट पार्ट वो देखना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अपन में कुछ नहीं है तो -6/1 कर देता हूँ, डिवाइड बाई -7/5। अभी क्या करना है हमें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है, तो -6/1 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में जैसे ही बदलते हैं तो आगे जो रेशनल नंबर लिखा जाता है उसको उल्टा कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या आएगा, 5 और अपॉन ये -7। तो माइनस से तो माइनस काट सकता हूँ मैं, उसके बाद ये कितना आएगा यहाँ से, 6 को 5 से गया तो ये 30 आ गई, और अपॉन 1 को 7 से गया तो ये आ गया, तो 30/7 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम लोग इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, ये -1/9 है, और जैसे हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो इसको उल्टा करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें यहाँ से काटने की कोशिश करते हैं, यहाँ से काटने की कोशिश, और कुछ भी नहीं कटता है, तो यहाँ से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4 आ गया, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ गया, ये 27 आ गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, -4/27 आंसर आपका आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, -7/12 और डिवाइड, चलो डिवाइड ही लिख देता हूँ, -4/6 है, ठीक है। तो यहाँ से -7/12 आपने लिखा, तो ये डिवाइड साइन, इसको मल्टीप्लाई में जैसे ही बदलते हैं तो इसको आगे वाले को उल्टा करना है, आगे जो रेशनल नंबर है उसको उल्टा करना है, तो 6/ क्या आ गया, -4 आ गया। तो क्रॉस में माइनस से माइनस ऐसे साइन कट जाता है, तो 6 1 जा और 6 2 जा, अभी ये कटते नहीं है, तो 7 को 1 जी गया तो 7 1 जा 7 और 2 को 4 से गया तो 2 4 जा 8 आ गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी अपना कर सकते थे। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से करना है, 7/17 और ये डिवाइड है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई में बदलता हूँ, तो जैसे ही मल्टीप्लाई में बदला तो इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 51/14 आ गया। अब इसको कट करने की कोशिश करते हैं तो 7 1 जा और 7 2 जा, फिर 17 1 जा और 17 3 जा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और 1 को 2 से किया तो 2 आ गया, तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो -1 है, तो इसका -1/1 करता हूँ, फिर डिवाइड साइन और 19/9 हो गया। अभी क्या करते हैं, -1/1 और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 9/19 हो गया। अभी ऐसे काटते हैं या ऐसे काटते हैं, नहीं कटता है, तो हमें क्या करना है, ऊपर जो है उनको मल्टीप्लाई करना है, नीचे जो उनको मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गए, अभी 1 को इससे किया तो ये 19 आ गए। तो आपका आंसर कितना रहेगा, -9/19 आंसर आपका आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना सिक्स पार्ट और देख लेते हैं। तो सिक्स पार्ट में क्या है, यहाँ से 21/9 और ये डिवाइड का साइन है, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई में बदलता हूँ तो इसको आगे वाले को उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 21/9, ये 21 तो ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ गया। अब उसके बाद यहाँ से कट करने की कोशिश करते हैं, तो 3 3 जा और 3 7 जा,
फिर थ्री थ्री जा और थ्री सेवन जा, ठीक है। तो सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गए, और थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है। तो 49/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। अभी स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल एक्सरसाइज 9.8 इन फेयर नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 9.8 है वो फेयर नोटबुक में कम्प्लीटली सोल्व कर लेनी है, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज आपकी कम्प्लीट हो गई है, तो आपको इसको कम्प्लीटली सोल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।